नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको लैपटॉप इनपुट वोल्टेज ट्रेसिंग ऑन बोर्ड सॉल्यूशन। ऑन बोर्ड ट्रेसिंग कैसे करते हैं लैपटॉप के मदरबोर्ड में, हम इनपुट वोल्टेज से कैसे जानेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं और कहाँ पर कितना कितना वोल्ट आ रहा है और उसका ट्रेस क्या होगा। ट्रेस ये होता है जैसे कि हमारा लैपटॉप का डीसी जैक जो होता है, ये हमारा डीसी जैक है। डीसी जैक हमारा यहाँ पे एक इनपुट कॉइल लगा होगा, इनपुट कॉइल लगा होता है, एसएमडी कॉइल जिसे बोलते हैं, इनपुट कॉइल एसएमडी कॉइल 1। ये जब हम लैपटॉप के अडेप्टर को लैपटॉप में इन करते हैं और जो डीसी जैक होता है लैपटॉप का, डीसी जैक जो इनपुट वोल्टेज लेता है डीसी का लैपटॉप में, वो हमारा डीसी जैक ये होता है। और उसके बाद एक कॉइल लगा होता है, डीसी जैक होता है। डीसी जैक जब अडेप्टर इन करते हैं तब डीसी जैक से जो सप्लाई लेता है, उसके बाद जो कंपोनेंट्स आते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा डीसी जैक होगा और यहाँ पे एक एसएमडी कॉइल लगा होता है, ये हमारा एसएमडी कॉइल होगा। और यहाँ पे एक मेन मॉसफेट नंबर 1 और मॉसफेट नंबर 2, दो मॉसफेट लगे होंगे। और मॉसफेट के ड्रेन पे, ये हमारा मॉसफेट का ड्रेन हो गया, ये हमारे मॉसफेट का ड्रेन हो गया, और ये हो गया हमारा सोर्स। और यहाँ पे वोल्टेज आता है, यहाँ पे इनपुट होता है 19 वोल्ट डीसी, 19 वोल्ट डीसी इनपुट होता है, और एसएमडी पे भी 19 वोल्ट। और ये आ गया हमारा मॉसफेट नंबर वन पे भी के ड्रेन पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें 19 वोल्ट मिलता है। और इसका जो सोर्स होगा वो दूसरे मॉसफेट को 19 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करता है। ये रहा, ये हमारा ये सोर्स है, सोर्स से ये जाता हुआ वो हमारा डीसी वोल्टेज, और ये हमारा सोर्स पे आ गया, मतलब सेकंड मॉसफेट पे आ जाता है। ये हमारा M1 मॉसफेट के ड्रेन से इनपुट होता है और M1 मॉसफेट के सोर्स से आउटपुट होता है, और मॉसफेट नंबर 2 के सोर्स पे ही पहुंचता है। आउटपुट होता है सोर्स से मेन मॉसफेट के, मतलब M1 मॉसफेट के सोर्स से रिलीज होता है, और ये M2 मॉसफेट के सोर्स पे ही वोल्टेज लेता है। उसके बाद हमारा ये जो इधर सप्लाई होती है वो सोर्स से IC पे आ जाती है, जिसे हम VCC बोलते हैं, ICC का इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, VCC का जो हमारा सिग्नल बनता है वो हमारा होता है M1 मॉसफेट के सोर्स से और M2 मॉसफेट के सोर्स से। ये हमारी IC होती है वोल्टिंग सेक्शन की, ये हमारी वोल्टिंग सेक्शन की IC होती है, इसमें VCC होता है, ये मतलब कि इनपुट वोल्टेज, IC का इनपुट वोल्टेज। और ये होता हमारा पावर रजिस्टर, जिसे बोलते हैं PR19 वोल्ट, या हम उसे DC बैट आउट भी बोल सकते हैं, DC बैट आउट पावर रजिस्टर, PR रजिस्टर हम इसे बोलते हैं। ये हमारा इस पे ये जो होता है पावर रजिस्टर 19 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई आने में जो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो ये आखिरी प्रोसेस जो PR रजिस्टर पर होता है, तो PR रजिस्टर क्या करता है, हमारे अलग अलग सेक्शन में सप्लाई प्रोवाइड कराता है, जैसे कि स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, और हमारा ये बैटरी सेक्शन, GFX सेक्शन, और हमारा PCS सेक्शन। ये हमारे स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, बैटरी सेक्शन, GFX सेक्शन, PCS सेक्शन, LVDS सेक्शन, ये हमारे कुछ सेक्शन हैं जो कि इनको वोल्टेज जो मिलता है वो 19 वोल्ट जो मिलता है वो हमारा SMD पावर रजिस्टर से मिलता है।
जो कि मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके का होता है, ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन इस कलर का होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो कि यहाँ से जैसे ये डीसी जैक है, और डीसी जैक जो का जो सप्लाई आता है वो डीसी बैट आउट पे आता है, डीसी जैक पे ही आता है। ये देखिए ऐसे आता है, कुछ इस प्रकार ही मदरबोर्ड में सप्लाई आता है। ये हमारा डीसी जैक हो गया लैपटॉप का, वहाँ से डीसी जैक, ये डीसी इन हो गया या डीसी जैक हो गया। और यहाँ से देख लीजिए उसके प्रॉपर पिन पे वोल्टेज आता है, ये प्लस हो गया हमारा, और ये हमारा माइनस हो गया, ये एनसी हो गया नॉट कनेक्टेड। और हमारा जो पॉजिटिव वाले पिन पे होगा वहाँ पे सप्लाई आती है कितना, 19 वोल्ट डीसी, ये हमारी सप्लाई आती है 19 वोल्ट डीसी। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए हम ग्राउंड से लगा के ये दो पिन चेक करते हैं, तो बीप साउंड की आवाज़ अगर नहीं आ रही है तो इससे हम जानेंगे कि यह हमारा पॉजिटिव पिन होगा। डीसी जैक को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसके जो पिन हैं 5, 6 पिन, 8 पिन, तो 7 पिन, ऐसे अलग अलग पिन के डीसी जैक आते हैं, तो उसमें जो 2 पिन होंगे वो बीप नहीं करेंगे लास्ट के, और 2 इधर लास्ट के होंगे वो बीप करेंगे, जो बीप करेंगे वो निगेटिव होंगे और जो बीप नहीं करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो हमारे ये बीप नहीं करेंगे, ये जो 2 पिनें हैं वो बीप नहीं करेंगी, और ये सप्लाई हमारा आ जाता है यहाँ से। ये हमारे SMD 2 क्वाइल लगे होते हैं, SMD क्वाइल लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक SMD क्वाइल लगा हुआ है। ये जैसे कि ये एक स्मैटिक डायग्राम है और ये एक स्मैटिक डायग्राम है, बट ये जो है ये मैं आपको ऑनबोर्ड मदरबोर्ड के बारे में ही समझा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे और कौन कौन से कंपोनेंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो चेक करेंगे, और कौन से पिन पे चेक करेंगे कि 19 वोल्ट आ रहा है, और कौन सा पिन पॉजिटिव होगा और कौन सा पिन निगेटिव होगा। हम आपको बता रहे हैं जैसे कि ये डीसी जैक हो गया, ये तो ये डीसी जैक हमारे डीसी बैट आउट को डीसी जैक को देता है पावर सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद जैसे ये कॉइल लगा हुआ है हमको स्मैटिक डायग्राम के हिसाब से ही आगे चलना होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक कॉइल लगा हुआ है, तो एक हिसाब से मदरबोर्ड में 2 कॉइल भी लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं, और फ्यूज़ लगा होगा, लेकिन कॉइल और फ्यूज़ की जगह कैपेसिटर नहीं लगा होगा, उसके आगे कैपेसिटर लगा होगा या फ्यूज़ के आगे कैपेसिटर लगा होगा। तो ये हमारे फ्यूज़ हैं, ये हमारे फ्यूज़ 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, दोनों पे 19 वोल्ट डीसी आता है, जितना वोल्ट वहाँ से आ रहा है प्रॉपर उतना ही वोल्ट यहाँ पे भी आएगा डीसी वोल्ट 19 वोल्ट। और ये हमारा यहाँ से इनपुट होता है और यहाँ कॉइल के अपोजिट से रिलीज़ कर देता है 19 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ ये देखिए हमारे साथ यहाँ आता है, ये हो गया। अब इसके बाद हो गया मेन मॉस्फेट 1, मतलब मॉस्फेट नंबर 1। उसके बाद इसके देखिए सप्लाई आ गई, इसके ड्रेन पे सप्लाई आ गई, इसके ड्रेन पे सप्लाई आ चुकी है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कॉइल से डायरेक्ट ड्रेन पे सप्लाई गई, तो कॉइल से इसके ड्रेन पे सप्लाई आ गई है। अब ड्रेन से ये रिलीज़ कर रहा है सोर्स से, मॉस्फेट के सोर्स से ये रिलीज़ करेगा, और यहाँ पे भी सोर्स पे ही आएगा, तो ये जो सप्लाई है ये हमारे मॉस्फेट नंबर 1 से मॉस्फेट नंबर 2 के सोर्स पे ही आएगा, और उसके बाद ये इसका ग्राउंड पिन होता है, ग्राउंड पिन इसका किनारे होता है, और मॉस्फेट नंबर जो 2 होता है वो सप्लाई ड्रेन से निकाल के डायरेक्ट जो हमारा भेज देता है वो पीआर रजिस्टर, जो कि ये आप पीआर रजिस्टर देख रहे हैं, पावर रजिस्टर इसे बोलते हैं, यहाँ पे सप्लाई आएगी। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बना के बताता हूँ, और ये सप्लाई हमारी आ गई है रजिस्टर पे, आपको जो रजिस्टर मिलेगा पावर रजिस्टर वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जो कि ब्लैक बॉडी में होता है, ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन होगा दोनों तरफ सिल्वर लाइन होगा,
दोनों तरफ सिल्वर लाइन होगा। तो ये जो हमारा पावर रजिस्टर होता है, यही हमारा पावर रजिस्टर है ये, जो कि इन सब सेक्शन में आगे वोल्टेज प्रोवाइड करता है। लैपटॉप के आगे वाले सेक्शन में जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, रैम सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, GFX सेक्शन, LVDS सेक्शन और GFX सेक्शन, PCS सेक्शन, बैटरी सेक्शन, इन सभी सेक्शन में सप्लाई आगे प्रोवाइड करता है। तो कुछ इसी प्रकार का जानकारी जो कि स्मैटिक प्लस मदरबोर्ड, ऑनबोर्ड मदरबोर्ड का स्मैटिक द्वारा जो हम आपको बता रहे हैं कि मदरबोर्ड में कैसे दिखता है, मदरबोर्ड में वही चीज़ कैसे दिखती है और स्मैटिक में वही चीज़ कैसे दिखता है। हम आपको जैसे लैपटॉप का 19 वोल्ट 14 सेक्शन बताए हैं, वैसे आपको आगे के सारे सेक्शन समझाएंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए लैपटॉप डेस्कटॉप एलईडी टीवी का कोर्स करने के लिए, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।